भाई मैं आपसे पूछ लूं कि अभी ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा? क्या खुशी होगी कि हम गेम को एंड तक लेके गए, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हमने काफी पुश किया, या फिर बहुत गम होगा इस बात का कि सिर्फ 4 रन से हम मुकाबला हार गए? देखो, जब भी आप क्लोज मैच हारते हो ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आप जब 50-60 रन या 20-25 रन से मैच हारते हो ना, दुखने पर एक बार सामने गलती की है, वहां से हमसे मैच चला गया है। मगर आप जब 2-3-4 रन से मैच हारते हो ना, तो फिर आप सारी रात सोचते हो, यार अगर मैं ये शॉट नहीं मारता, वहां से मैंने एक गुजारा कर, फिर ये दिमाग से एक हफ्ते तक निकलता ही नहीं है, जब तक आपका दूसरा मैच ना हो। तो मेरे ख्याल में अब ये वर्ल्ड कप का लास्ट मैच था, तो ये काफी टाइम तक लड़कों के दिमाग में रहेगा कि अगर मैंने, अगर नजीब भी ये सोचता होगा, इब्राहिम भी ये सोचता होगा कि अगर मैं ये शॉट नहीं मारता, 2 ओवर और पड़ी तो ये मैच आराम से जीत सकते थे। तो ये चीज अब दिमाग में रहेगी काफी टाइम तक, क्योंकि जब आपके मैचेस होते हैं ना, तो एक दूसरा मैच आता है तो वो भूल जाता है। मगर ये लास्ट मैच था तो लड़के बहुत खफा होंगे, क्योंकि एक मैच हमारे हाथ में था, एक टाइम पे हम जीत सकते थे, क्योंकि आज विकेट जबरदस्ती में, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, जितना मैं महसूस करता हूँ, ये सब पिच का गेम है। जिस तरह विकेट होगी उस तरह ही मैच होगा तकरीबन। उसमें पिच का रोल 56% पिच का ही रोल होता है। तो मेरे ख्याल में आज हमें जबरदस्त विकेट मिली थी, जबरदस्त पिच थी, और लड़के बहुत खफा होंगे, स्पेशली स्पेशली कैप्टन बहुत खफा होगा, क्योंकि वो अगर ये मैच जीत जाता तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान बीट करना, ये बहुत बड़ा न्यूज था, और अफगानिस्तान के लिए जबरदस्त एक चीज थी कि हम सब बड़ी बड़ी टीमों को बीट कर सकते अगर हम अपने आप में बिलीव करें। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो कैप्टन बहुत खफा होगा।